I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. मंत्री जी दर्शन करने के बाद स्टेशन पहुंचने वाले। सर, सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया? सबको अलर्ट कर दिया है सर। मोहन सर, पैसेंजर्स को उस तरफ भेज okay, दो। सर। मंत्री जी मेन गेट से ही आने वाले सर। अगर किसी पर शक हो तो चेक करो। यस सर। बी अलर्ट सर। विशाखापट्टनम से। अंदर क्या छिपा कर रखा है? बॉम्ब्स हैं या ड्रग्स हैं या वेपन्स हैं? निकालो। मैंने कहा निकालो। ये बच्चा किसका है? मेरा बच्चा है। माँ कहाँ है इसकी? नहीं है। नहीं है मतलब छोड़ दिया है या मार दिया तूने? तेरा ही बच्चा है या किसी का चुरा कर भाग रहा है तू? शक्ल से तो बहुत बड़ा कैदी लगता है। कॉन्स्टेबल। यस सर। इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो और इस बच्चे को अनाथ आश्रम में रखकर इसकी इंक्वायरी करो। बच्चा ला इधर। मैंने कहा ला इधर। ये बच्चा अनाथ नहीं है। इस बच्चे का बाप मैं हूँ। मुल्क के लिए तेरी जिंदगी बहुत कीमती है। क्या देश की सेवा कर। क्या पुलिस पर हाथ उठा गए सर? नरसिम्हा यहाँ क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं सर, हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। अरे रे रे रे, बब्बर शेर की तरह बिल्कुल तुम पर गया है। सर वो ट्रेन का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? सॉरी सर, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आई एम सॉरी। पॉलिटिशियंस को जितनी इज्जत देते हो पब्लिक को भी उतनी इज्जत दो। कुमार बैचलर पार्टी में तो धमाल कर देंगे। अरे भाई, या भाई, गुरुदेव बोला भाई, क्या मस्त है, बिल्कुल एक नंबर। बता बता, हाँ दिखाओ। अरे भाई, अरे मस्त है, अरे बढ़िया यार। क्या ये सब, क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हो? ये बस है, ये बार है, हम लोग सोए नहीं क्या? I will call the police। चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जा। एक तो उम्र हो चुकी है, इस उम्र में हड्डी टूटेगी तो छोड़ेगी भी नहीं। चल बैठ। अरे भाई, मेरा बच्चा रो रहा है, थोड़ा शोर कम करो ना। दूध पिला दे, सो जाएगा। आप लोग थोड़ी शांति रखेंगे तो दूध पी के सो जाएगा ही। ये बियर पिला दे, सुबह तक शांत रहेगा। ऐसी बात कर रहे हो भाई, बच्चे को बियर पिला दे। अरे रहने दो यार, बेटा क्या कर रहे हो? अरे आला आला पीले 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 ले 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 पीले 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 बियर पीले पीले बेटा पीले पीले पीले।
अच्छा बच्चा। भगवान का प्रसाद है ये। ये क्या कर दिया? भगवान के प्रसाद को अपवित्र कर दिया। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं। बाहरी लगते हो, तुम्हें नहीं पता क्या? पुजारी को छूने से प्रसाद अपवित्र हो जाता है। बच्चे के छूने से मंदिर का नियम भंग हो गया। अब हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? जाओ यहाँ से। खड़े क्यों हो? जाओ। बाबू रुक जाओ, क्या कहा पंडित जी? बच्चे ने छू लिया तो अपवित्र हो गए? छोटे बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, ऐसा वेदों में और किताबों में लिखा गया है। भूल गए क्या? भगवान के लिए भगवान अपवित्र हो सकते हैं? आज जन्माष्टमी है, बाल कृष्ण पर ऐसे चिल्लाना गलत है ना? क्षमा कीजिए धर्माधिकारी जी, ये सिर्फ आचरण जानते हैं लेकिन शास्त्र के बारे में नहीं जानते। इसे ले जाकर पूजा शुरू कीजिए। ठीक है, जाइए। आप भी जाइए। अच्छे से तैयार करके ले आओ। जी साहब जी। वैसे बाबू का नाम क्या रखा है? अभी इसका कोई नाम नहीं रखा, चुन्नू मुन्ना कान्हा कहके पुकारता हूँ। क्या बात कर रहे हो, एक साल हो चुका है अभी तक नाम नहीं रखा? कृष्ण भगवान का मंदिर है, ऊपर से आज जन्माष्टमी भी है, बाबू का नाम आज मैं रखता हूँ, बाल कृष्णा। तुम्हें कैसा लगा? तुम सबको अच्छा लगा ना? अब तुम बताओ। इन सभी को इतना अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? नरसिम्हा। तुम किस गाँव से आए? वाइजैक से आया। इस गांव में और कितने दिन रहोगे? कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो यहीं रह जाऊंगा सर। काम क्या करते हो तुम? जो जानता हूँ वो सारे काम कर लेता हूँ। और जो नहीं जानते हो? जान कर कर लूंगा। क्या है शिवशंकर, ये क्या है? इस तरह राउंड सर्कल बनाकर सुप्रभात क्यों कर रहे हो तुम लोग? आपको जगाने के लिए, सबको काम बताने के चक्कर में आप खुद ही सो गए। कौन सो गया था? आंख बंद करके लेटने को सोना कहते हैं? बड़े लोग आंख बंद करके लेटते हैं, इसका मतलब वो कुछ गहरे विचार में होते हैं। वो तो ठीक है, पहले काम तो बताओ। क्या काम बताऊं मैं, क्या काम बताऊं? जो भी उनको रास्ते में मिलता है उसको उठाकर घर में लाकर रख देते हैं, जैसे धर्मशाला हो। तुम लोगों को काम बता बता कर, ये देखो बाल उड़ गए मेरे। इसका मतलब पहले आपके बाल घने हुआ करते थे जी? कंजक मजाक मत कर वरना सिर तोड़ दूंगा। नहीं सर, पिछले 20-30 सालों से आपने फिगर मेंटेन करके रखी हुई है, मार्केट में अभी भी आपका नाम है सर। काम की वजह से रे, काम करता हूँ मैं जी। अच्छा मेरी पर्सनालिटी की वजह से तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और आपकी पत्नी के बारे में सोचकर तो उसको दुगनी जलन होती है। मेरी पत्नी के बारे में सोचकर इसे क्यों जलन होती है? जलन क्यों नहीं होगी, देखने में बिल्कुल लड्डू की तरह है, उनकी चाल मोड़ने की तरह है, कमल की तरह खूबसूरत लगती है। उसके बारे में बताते बताते तू इतना क्यों फुदक रहा है बे? सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, यानी मेरी पत्नी के बारे में सब सोचते रहते हैं। मार डालूंगा मेरी पत्नी के बारे में सोचे तो। चलो निको, चलो चलो। थैंक यू सर। किस लिए? आज आप किसी को लेकर नहीं आए इसीलिए। हाँ अब ये कौन है? नमस्कार भैया। देखो देखो यहाँ देखो, माँ बोलो।
बहुत अच्छा इंसान वो तो पता चल ही रहा है, मैं देख रहा हूँ। मुलाकात होने के बाद और भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। आएगा आंटी को देखो, माँ बोलो माँ। आज से ये यही काम करेगा, उसने तो अपना काम सेठी कर लिया है। बेटा रो मत, आंटी के पास जाओ। नरसिम्हा को अपना वो पीछे वाला मकान है ना, उसमें रहने का इंतजाम। उसमें कैसे कर सकता हूँ, उसमें तो हम लोग रहते हैं ना। पर उसमें तो दो बेडरूम है ना, एक रूम में मैं सोता हूँ, एक रूम में मेरी बीवी सोती है। सर अब समझ में आया कि बच्चे क्यों नहीं हुए? कौन बकवास कर रहा है, कौन नालायक है? मार डालूंगा नालायकों। ए, क्या है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? भूख लगी है क्या? पेट को बढ़ाया है लेकिन दिमाग को नहीं। जवाब दो, तुम्हें डांटता हूँ तो तालियों की आवाज क्यों सुनाई देती? सुनाई क्यों नहीं देगा सर, वो सारे नौकर मुझसे जलते हैं इसलिए खुश होकर ताली बजाते हैं। ठीक है, नरसिम्हा सर वो मेरी पत्नी है। नमस्कार मैडम। नरसिम्हा तुम्हारे बगल में ग्लैमर खड़ी है ना, वो मेरी पत्नी है। पता भी है। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम दोनों अलग अलग सो रहे? बाप रे, उनके खराटों की आवाज से मुझे डर लगता है। हम ना सिर्फ रात को अलग अलग सोते हैं। संभाल कर इसका ध्यान रखना। ठीक है सर। समझ गया ना? समझ गया सर, आपने हिंदी में समझाया ना। मर्यादा में रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको कौन सा काम दूं मैं? सर बाबू को मुझे दीजिए। ड्राइवर सर, यानी ऑलरेडी सेट हो गया है क्या? जी अभी ऑलरेडी फिक्स हो गया है। उसने सेट किया है। रुको, कम हियर, स्टैंड इधर। कहाँ तक पढ़े हो? पांचवी क्लास तक। इसीलिए इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो यह सोचकर घमंड मत करना, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, याद रखना। पांचवी कक्षा के लिए? हाँ पांचवी कक्षा के लिए ही। जाओ। मैं बात करके आता हूँ, तू यहीं रुक। ठीक है भैया। नमस्ते सर। नमस्कार शिंदे। नमस्ते भाई। एसपी से कह दो मैं आया हूँ। आप बैठिए, मैं बताता हूँ ना। ओके। नमस्ते भाई। क्या हाल है, कैसे हो? आपसे एक जरूरी बात करनी थी भाई। क्या हुआ, हफ्ता कम मिल रहा है क्या? वो बात नहीं है भाई जी, मेरी बेटी के साथ कॉलेज में आपके भाई रैगिंग करते हैं। सच कह रहे हो? हाँ जी भाई। कॉलेज में है तो रैगिंग तो होगी, अब ये उम्र ही कुछ ऐसी है, कुछ दिनों की बात है, बर्दाश्त कर रहा हूँ। भाई मेरी इकलौती बेटी है वो, जरा आपके भाई को समझा दें तो। मेरे कहने से काम बिगड़ जाएगा, वो बहुत जिद्दी लड़का है, जाने दो ना। अरे सुनो जयराम, नए एसपी का कैरेक्टर कैसा है? सुना है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओ भाई, एएसपी साहब ने आपको बुलाया है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? शहर में कोई भी नया आए तो मैं पहले। क्या बात है, आप तो बहुत ही तेज है, डायरेक्ट मुद्दे पर ही आ गए। ओके सर, मेरा नाम गणपत भाई, बट खुद चलाने वाले हर व्यापार में बेईमानी। आपको कैसे पता सर? तुम्हारी ही फाइल देख रहा हूँ। ओह, सिट डाउन। 30 बसें सारे शहर में चल रही हैं, 30 लॉरीज रेती के कारोबार में चलती हैं, कुंभकोण के मंदिर के आसपास 30 लॉजेस हैं, और भी कई सारे बिजनेस। यहाँ मंदिर के चप्पल के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट के रोड कॉन्ट्रैक्ट तक सब तुम्हारा है, लेकिन हर चीज में ये 30-30 का आंकड़ा क्यों? वो मेरे भाई की जन्म तारीख है सर, सारे बिजनेस उसी के नाम से शुरू किया है मैंने, उसी की वजह से सर मेरी किस्मत खुल चुकी है। दरअसल वो मेरी जान है सर। तो उस जान को कुछ ना करो कहकर विनती करने आए हो? हाँ सर, उसी के लिए आया हो। सुना है आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, आंध्रा से लेकर गुजरात बिहार तक के गुंडों का सफाया करके यहाँ के भी गुंडा राज को खत्म करने आए। छोटे पर लगाए गए सारे केस झूठे हैं सर, ये इल्जाम गलत है कि उसने कई मर्डर्स किए। इतना लेकर आए हो? आप तो बहुत ही तेज है सर, अभी गाड़ी में 30 लाख है, बाकी कितना कहाँ पहुँचाना है मुझे बता दीजिए, 30 मिनट में पहुँच जाएगा सर। बाबू भाई का फोन। क्यों पांडे, गांजा सिर्फ लेते हो या बेचते भी हो? नहीं सर, बहुत ही तेज है, डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे रिश्तेदार जैसे हैं। चलता हूँ सर। जी सर। सर एक छोटी सी सेल्फी ले लूं सर? ए गणपत, तुमने अपनी भाई की जान को खरीदा है, मेरे पावर को नहीं। तुम इस गांव के शेर हो तो मैं बब्बर शेर हूँ, तुम जितना चाहे पुलिस नहीं बन सकते और मैं जितना चाहूँ गुंडा नहीं बन सकता। आगे से कंधे पर हाथ डाला तो चीर के रख दूंगा, आउट। आप अगर वायर में बहती करंट है तो मैं भी ट्रांसफार्मर हूँ सर।
दोनों के ज्वाइंट होने पर ही पावर स्ट्रॉन्ग होता है। चलता हूँ सर, पैसे बैलेंस है सर, जल्दी मिल जाएंगे। खराब करो तुम, जाओ तुम। मैंने उठा रहा हूँ पगली, छोटी मैम साहब आ गई हैं। हाँ? बाबू सो गया है ना ड्राइवर सर? हाँ हाँ, कब का सो गया? वो गाड़ी में कौन है, क्या हुआ उसे? मैं आकर बताती हूँ। मैडम साहब, बचपन में पाउडर का दूध पिया है ना, तो अभी भी पाउडर ही मांग रही है। रोज का नाटक है यार। चलो 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 सब। देवता के घर में जन्मी भूतनी है ये, फॉरेन में पढ़ाई करती है, सिर्फ छुट्टियां मनाने यहाँ आती है, दिन भर ड्रग्स लेती है और बेहोश पड़ी रहती है। ये बात सर नहीं जानते क्या? जानते हैं, इकलौती बेटी है ना, ना ही उसे कुछ पूछ पाते हैं और ना ही उसे कोई रोक पाता है। रात भर सोती नहीं है और दिन भर उठती नहीं है। क्या बात है, दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? नहीं जी, छोटी मेम साहब के बारे में बता रही हूँ। उनके बारे में तो क्या बता रही है, उनको सारा शहर जानता है। ये उनके ड्राइवर बनना चाहते हैं। हेलो, तुम्हें यहाँ किसकी गाड़ी चलानी है तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो मैं करूँगा। जाओ सो जाओ। कहाँ जाएंगे भैया? असल में अभी तुम्हारी ड्राइविंग देखनी है मुझे, उसके बाद कहाँ जाना है, किसकी गाड़ी चलानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। चलो। अरे नरसिम्हा, तुम्हारी पर्सनालिटी को ये स्पीड सूट करती है क्या? रोड कितना खाली है देखो, स्पीड में गाड़ी चलाओ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी चलो। आपके ख्याल एक जवान लड़के जैसे। ये बात मेरी पत्नी के अलावा पूरा शहर जानता है। राइट ले लो, लेफ्ट लो, मर गया। राइट लो, अरे बाप रे, अगेन राइट। राइट में रोड नहीं है। रोड बनाने को बोला था, बनाया नहीं क्या? छे 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 छे, लेफ्ट ले लो। बाप रे, पुलिस। दिखाई नहीं देता है क्या? सॉरी सर, एक औरत अचानक बच्चे के साथ बीच रास्ते में आ गई, उसे बचाने के चक्कर में कार को मोड़ना पड़ा। अंदर बैठ कर ही बात करेगा। हमारे चीफ को अर्जेंटली कहीं जाना है सर। कहाँ है तेरा चीफ? ये क्या? हाँ वो रहे सर, वो ऑरेंज कलर का शर्ट पहने हुए है ना, वही है हमारे चीफ। कम हियर। नहीं नहीं सर, मैं नहीं हूँ सर। हाँ? तो कौन है मैं नहीं जानता हूँ सर, रास्ते में लिफ्ट मांगी थी सर। इसे अरेस्ट करो। अरे बापरे, अरेस्ट करेंगे क्या? किसी को चोट पहुंची है या किसी को मार दिया मैंने, अरेस्ट क्यों करेंगे सर? केस दर्ज कीजिए, कोर्ट में आके फाइन भर दूंगा। बहुत ज्यादा अकड़ के बात कर रहा है तू। नहीं सर, न्याय की बात कर रहा हूँ। लॉ पढ़ रहा है क्या? नहीं सर, जिंदगी को अच्छे से पढ़ा है। पुलिस के साथ खेलेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ उस ऊपर वाले से नहीं खेलना चाहिए सर, मेरे साथ भी नहीं खेलना चाहिए। आपके साथ क्यों खेलूंगा? नो पार्किंग में गाड़ी लगाकर, पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर भी पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने वाले एक एसपी के साथ मैं क्यों खेलूंगा सर? क्यों? बहुत ज्यादा बोल रहे तू, चल चल। ओके सर, आप मुझ पर हाथ उठाओगे तो पब्लिक में हीरो बन जाओगे, लेकिन पलट कर जब मैं आप पर हाथ उठाऊंगा तो उसी पब्लिक में जीरो बन जाओगे। मुझ पे हाथ उठाएगा तू, पुलिस को अपनी पावर दिखाएगा। चल हिम्मत है तो मुझ पे हाथ उठा और दिखा दे अपनी पावर। चल दिखा, दिखाना, अरे दिखा। अबे आकर दूध की बोतल उठा लो। EN60AX3003, ये मेरी गाड़ी का नंबर है और ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। कंप्लेंट कॉपी भेज दीजिए, फाइन भर दूंगा। यू सर।
खेल रहे हैं आप, मजा आ गया। मैं तो हर गेम अच्छे से ही खेलता हूँ। एक गेम और हो जाए चीफ। सो गया क्या? ड्राइवर साहब तुम भी आ जाओ खेलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। उन्हें अपना काम करने दो, तुम चाल चलो यार। नरसिम्हा, अरे ऐसे क्या सोच रहे हो, एक बार खेलो ना। मुझे नहीं आता। नहीं आता वो बार बार बोल रहा है, तो भी क्यों उसे सिग्नल दे रहे हो यार। सिग्नल कहाँ दिया, डायरेक्ट बुलाया है ना। ठीक है खेलो। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बिस्तर बिछाने। किसके लिए? बाबू के लिए। उसके बाद? बाद में आपके लिए बिस्तर लगा दूंगी ना, आपको और क्या काम है। संभल के। ये सब मेरी बीवी की चिंता क्यों करते हैं? आज गेट बच गया है भगवान। से बहुत जल्दी घर आ गई। लगता है आज पीने को नहीं मिला होगा। लाइट्स ऑफ कर दो, दरवाजा बंद करो, क्लोज़ इट। ईमानदारी से सब बाहर आ जाओ। रात को गाड़ी कौन चला रहा था? सच बताओगे तो एक ही मारा जाएगा, वरना सब मारा जाएगा। हमारे भाई के जान से भी ज्यादा प्यारे भाई पर गाड़ी चलाकर घर के अंदर छिप कर बैठा है। अगर हमारे भाई अंदर आ गए तो सबके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। ए, तुम सिर्फ मंदिर चलाते हो लेकिन हमारे भाई पूरे शहर को चलाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है मियां साहब। हाँ हाँ, तुम लोग पहले अंदर जाओ। अंदर जाकर पूरे घर को तोड़ दो। यहाँ आकर तोड़ फोड़ कर रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हुई? जो पापा, वो एक्सीडेंट मैंने ही किया है। ए, देखो एक्सीडेंट हो गया। ए, बहुत खून बह रहा है यार। उसी ने टक्कर मारा है, पकड़ दे उसे। आजा चलो। ए रुको, चल। ए रुको, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो? ये तुमने क्या किया? कैसी हरकतें कर रही हो? आप ही केलाड़ प्यार ने बिगाड़ा है इसे। आज इसने किसी निष्पाप की हत्या की है। आपकी आन बान शान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया इसने। आई एम सॉरी पापा, अपनी गलती की सजा मैं खुद ही भुगतूंगी। नहीं बेटी, तुम उनके बारे में नहीं जानती हो। वो बहुत बड़ा राक्षस है, वो तुम्हें ले जाकर तुम्हारे साथ क्या करेगा मैं तो सोच कर भी घबरा रहा हूँ। मैं खुद जाकर उसके पांव पड़ के उससे माफी मांग लूंगा। नहीं पापा। तानिया, अगर तुम दहलीज पार करके बाहर आई तो तुम्हें मेरी जान की कसम, इसे अंदर लेके जाओ। क्यों रे, किसने किया पता चला? नहीं भाई। कौन है नहीं पता है? सच सच बता दो, कल इस कार को कौन चला रहा था? पधारो महापुरुष, यहाँ इतना हंगामा चल रहा है और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? अंदर क्या कर रहे थे? धर्माधिकारी का बहुत घमंड है तुम्हें। मुझे माफ कर दो, वो कार मैं चला रहा था। जी हाँ, कल रात ये कार मैं ही चला रहा था। नरसिम्हा, सॉरी सर, आपको बिना बताए ये कार लेकर मैं बाहर चला गया था। बड़ी चर्बी है तुझमें। मेरी जान है और उस जान का खून बहाया है तूने, नहीं छोड़ूंगा। छोटे
बेटे के शरीर से जितना खून बहा है उसका दुगना तुझ में से बहेगा। मारो इसको। मेहरबानी करके इसे छोड़ दो। शरीर में सिर्फ तेरी सांसें बची हैं। हॉस्पिटल में अगर छोटे को कुछ हुआ ना तो तू भी नहीं बचेगा, तेरा सिर काट दूंगा। ए, चलो। नरसिम्हा, अगर मेरा सगा बेटा भी होता तो वो भी इतना बड़ा त्याग नहीं करता। इस घर की इज्जत और मेरी बेटी को बचा लिया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपको उनके पैरों में ना गिरना पड़े इसीलिए मैंने मार खाया, और आप मुझ जैसे छोटे इंसान के। नरसिम्हा, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। बहुत सारा खून बह चुका है, चलो चलते हैं, चलो। दिल टूटने पर भी असर नहीं होता इस जिस्म को, उन गुंडों के मार से क्या होगा मुझे। आप जाइए जाइए। अरे 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 बाला, क्यों रो रहा है बच्चा? चोट पापा को पहुंची और दर्द तुम्हें हो रहा है। कुछ नहीं हुआ पापा को। रो क्यों रहे हो? हम मर्द हैं, हमको रोना नहीं चाहिए। हम सब शाम को घूमने जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाना। हाँ, अरे इतनी सी बात पे रोने लगे? अरे यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ जाके काम करो। कमाल है, ऐसा लग रहा है कि कुछ शूटिंग चल रही हो। हाँ देखा, अभी तो अलग से बोलना पड़ेगा। काम करो, जाओ ना। चलो उसकी सलामती की दुआ मांगी, नहीं तो वो गुंडे मुझे जिंदा दफना देंगे, यही ना? चोट लगने वाला सही रहे ये कह रही हूँ, और जिसने चोट खाई है उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए, ऐसा ही सोच रहे हो ना तुम? आगे से कोई गलती नहीं करूँगी, भगवान के सामने कसम खाई है। अरे ईश्वर, ये क्या कर रहा है? सारे लोग बोरियां उठा कर ले जा रहे हैं और तू छोटी सी थैली लेकर झुलाते हुए आ रहा है। छोटी मैम साहब ने इसे कचरा पेटी में फेंकने के लिए बोला है जी। छोटी मैम साहब कौन है? मैं हूँ शांतनु द ग्रेट। इधर ला, जा जाकर बोरियां उठा। अरे बाप रे, हे भगवान माफ करना परमेश्वर। भगवान की विभूति को कचरे में फेंकने के लिए कहा उसने, अकल नहीं है क्या उसे? तू भी एक नंबर का गधा है, गधा कहीं का, बेवकूफ। हे परमेश्वर माफ करना। विभूति समझ के वो पाउडर को खा रहा है। आहा हा, पूजा का पंचामृत जितना स्वादिष्ट होता है ये विभूति भी उतना ही स्वादिष्ट है। घोड़े की तरह गुर्रा रहा है। वाह, अरे ऊपर स्वर्ग में आ गया मैं तो। मुरली कृष्णा। ए, कौन है? किसने मुझे मेरे नाम से पुकारा? कौन है वो? मैंने। मैं कौन? इधर आ, इधर आ रे, देखता क्या है, इधर खड़ा रे, जल्दी आ। क्यों रे, कौन है जो मुझे नाम से बुला रहा है? कह रहा था असल में नाम क्यों रखा जाता है पता है? बुलाने के लिए रखा जाता है, समझा? मेरी बेटी जो ड्रग्स लेती है कहीं इसने तो नहीं ले लिया? क्या हो गया जी आपको? अंदर चलिए। अरे तुम क्या भाई, अरे हमें लड़का पैदा हुआ है क्या? पुड़िया खाने पर स्वर्ग के साथ साथ संतान लाभ भी मिलता है। चुप रहिए साहब जी, माफ कीजिए, पता नहीं। बंद कर। बेटी इसे नशा चढ़ गया है। हमारे बीच में तू मत बोल। मेरे हाथ के नीचे काम करते हो और मेरी बीवी पर लाइन मारते हो? मैंने कभी तुम्हारी बीवियों की तरफ आंख उठाकर देखा क्या? नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? तू कौन है रे? तू भी यहाँ नया आया है क्या? उसने भेजा है तुझे? रोज नए नए को बुलाता है वो, चल जा यहाँ से, नौकरी वोकरी नहीं है यहाँ। सुनिए जी, यहाँ से चलिए, लगता है इसके अंदर भूत आ गया है। चलिए। अरे मुरली, तेरे पास मुरली भी नहीं है और पंख भी नहीं है। ये पैकेज मैंने फेंकने के लिए दिए थे, इन्होंने ही खा लिए होंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप अंदर चलिए। सुबह से मैं इसको बुला रहा हूँ, मेरे नाम से डरता है ये। क्या करें? अंदर आइए। चीफ, जाकर थोड़ी देर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। वो कौन है रे?
मेरे बीवी को एक बेटा दे दिया, इसको भी एक बेटा दे दे, जा। सॉरी। क्यों रे? हाई स्पीड में क्यों आ रहा है तू? ड्यूएल करने वाला है क्या? अरे ये क्या, सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ सब लोग अपना अपना काम करो, चलो चलो, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, काम करो। अरे तुम यहाँ हॉस्पिटल नहीं गए क्या? तुम भी अजीब आदमी हो। आप अंदर जाते हो क्या? मालिक सुनिए, आप अंदर जाइए, आपको बताती हूँ, चलो। पुजारी जी, मेरी बेटी को एमपी के रूप में पति मिला है, ये रुपए वाला हार मैं भगवान को चढ़ाना चाहता हूँ। उस हुंडी में डाल दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं आप, मैंने ये हार हुंडी में डालने के लिए नहीं, भगवान के गले में पहनाने के लिए मन्नत मांगी थी। ठीक है, मुझे दीजिए, मैं पहना दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप, भगवान के गले में मैं ही पहनाऊंगा, आप क्यों पहनाएंगे? गलत मत समझिए यजमान, भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करना और मूर्ति को स्पर्श करना मना है। तुम भगवान को छू सकते हो और हम नहीं छू सकते? क्षमा कीजिए, थाली से खाना खाने के लिए भी हाथ की जरूरत पड़ती है, उसी तरह भगवान और भक्त के बीच भी पुजारी की आवश्यकता होती है। पागल लागल हो गए हो क्या? मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, जनता का सेवक हूँ। अंदर जो बैठे हैं वो त्रिलोक पालक हैं, आपका भी पालन वही करते हैं। ASP कौन है ये, क्या चल रहा है? मैं भगवान का हार पहना कर जाऊंगा। अपने बकवास नियमों को भूल जाओ और हटो यहाँ से। जब तक मेरे शरीर में जान है मैं मंदिर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। हटते हो या उठाकर फेंक दो। भगवान के द्वार पर लोग अक्सर अपने अहंकार और घमंड को मिटाने आते हैं, उसका प्रदर्शन करने नहीं। मैं अभी जाकर ASP से बात करके आपकी समस्या का समाधान करता हूँ, तब तक आप लोग शांत रहिए। नरसिम्हा। ए, स्टॉप हिम देयर। सर, वो मंदिर की ट्रस्टी है सर। सर, मैंने जब से होश संभाला है ब्राह्मण का इस तरह से अपमान और उनका आंदोलन करना आज तक नहीं देखा। सो व्हाट? आपने गलती की है सर, आप उनसे माफी मांग लीजिए तो अच्छा रहेगा। नेवर, नहीं मांगूंगा। आप जानते हो या नहीं, लेकिन कई सौ सालों से भी ज्यादा नित्य दिन पूजा ग्रहण होने वाले इस पूज्य क्षेत्र में आज के दिन एक भी मंदिर खुला नहीं है, ये पाप है। अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो सबको पाप लगेगा, तुम्हें भी पाप लगेगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ। क्या चेतावनी देगा? चल निकल। जला दिया तो बाकी सब कुत्तों की तरह। जला दोगे कि नहीं जलाओगे? सर्वे
जना सुखिनो भवंतु, ये कहकर जनता को आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण को भ्रष्ट मिनिस्टरों को सल्यूट मारोगे, मक्खन लगाओगे, तलवे चाटोगे। याद रखना, संप्रदाय को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करोगे तो मरने के बाद पाताल लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। गर्भ मंदिर माँ के गर्भाशय जैसा होता है, वहाँ तुम्हारा ना अहंकार चलता है ना तुम्हारे गुरूर के लिए कोई जगह, वहाँ बड़ी पवित्र स्थान है। माँ मूर्ति को छूने का अधिकार केवल और केवल पुजारी को होता है। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। क्या है उनकी महानता? वो जो पूजा करते हैं वो तो कोई भी कर सकता है। हर कोई नहीं, धर्म क्या होता है, आराधना क्या होती है, ये उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। मंत्र शक्ति से देव शक्ति का आह्वान कैसे करते हैं, ये भक्तों को समझाने वाले यही लोग हैं। ऐसे वेद ज्ञान देव ज्ञान पुजारी के पास ही होते हैं, पूछ ले अपने माँ बाप से। अज्ञान का जब अंधेरा छाता है तो ज्ञान का सहारा देकर ये लोगों की आंखें खोलते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता का पर्दा हटा और आध्यात्मिकता का सहारा लेगा तो भला हो जाएगा। एक पते की बात बताता हूँ, ज्ञान की रोशनी देने वाले गुरु मूर्ति होते हैं ये पुजारी। ऐसे सत ब्राह्मणों का अपमान करना घोर पाप है। तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा नहीं लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। भगवान को नहलाना, दिया लगाना, भगवान के सामने नारियल फोड़ना, आरती करना, ये सारे कौन से महान काम है? इंग्लिश पढ़ के इंडिया के कल्चर को तबाह करना गलत। देव आराधना के बारे में पूरी तरह जान के बात कर। पूजा अर्चना जपम स्तोत्रम ध्यानम दीक्षा अभिषेक मंत्र आसनम दर्पण गंधम अक्षतनम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्य प्रसादम आचमनीय आवाहन स्वागतम आद्यम मधुपरकम स्नानम वंदनम उद्वासनम और देव पूजा किसे कहते हैं ये तुम और तुम्हारे भ्रष्ट मिनिस्टर क्या जानेंगे। तुम लोगों का तो यही काम है, गरीबों का हक चबाना और मंत्रियों को सल्यूट मारना। और मंत्रियों को तो घोटाले करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। भक्ति है जिनकी वृत्ति, यही है इन ब्राह्मणों की शक्ति। मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा नहीं पर तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। नॉनसेंस, ये सब ट्रैश है। बकवास नहीं है, सच्चाई है। मंत्र ब्राह्मणाधीन है और देव मंत्राधीन है। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और भगवान मंत्र के अधीन है। ऑपरेशन डॉक्टर को करना चाहिए और मंदिर की पूजा पुजारी को करनी चाहिए। आत्मा शरीर को बचाता है और मंदिर सारे देश को। अपनी गलती की क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं मांगी तो? मैं बहुत जिद्दी हूँ और साथ में हटेला भी। मौन से दुख को झेलता हूँ और पागलपन में जान भी ले सकता हूँ। मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं पर तुझसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। चल मांग, क्षमा मांग, मैंने बोला। नेवर। डोंट शूट। क्षमा। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। चले चलते बाबू, दीर्घायुष्मान भव। धन्यवाद। कौन है ये? फर्स्ट टाइम किसने मुझे डराया है? कौन है ये पावरफुल इंसान? कहां से आया है ये? कुछ साल पहले शादी के एक मंडप में घुसकर 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाले रामी रेड्डी को आखिरकार आज फांसी की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी पेटिशंस को रिजेक्ट कर दिया है और अब उन्होंने राष्ट्रपति को क्षमा अर्जी भेजी है। राष्ट्रपति ने भी उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया है और इस वजह से रामी रेड्डी की फांसी की सजा अब तय है। जल्द ही फांसी की तारीख भी तय की जाएगी। हाई कोर्ट में काम हो जाएगा सोचकर कितना पैसा खर्चा किया। सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सोचा वहां पर मेरा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मुझे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है, मेरे पति के लिए परेशान हूँ। मेरे पति को बचा लीजिए वकील साहब। ऊपर वाले के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप पतिव्रता हो, आपके गले में पहनाया गया मंगलसूत्र ही उनकी जान को बचा सकता है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे पति को बचा लीजिए। इस खबर को सुनकर पूरे शहर में उनके समर्थकों ने दंगा फसाद शुरू कर दिया है। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब होने की वजह से एएसपी प्रसाद ने आखिरकार उन पर लाठीचार्ज की अनुमति दी। नरसीमा नाम के एक सामान्य आदमी ने उस लाठीचार्ज को रोक कर
तेजी से फैल चुका है। सबकी नजरें इस खबर पर टिकी हैं। मैडम, आपको बुला रहे हैं। मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं आपको बचा नहीं पा रही हूं। अभी भी काली माँ के मंदिर में मैंने जाकर मन्नत मांगी है कि चाहे मेरे प्राण ले लो माँ, लेकिन उनकी रक्षा करना। रोना मत वासंती, तुम्हारे जैसी महान पत्नी मिली है ना, वो मेरी खुशकिस्मती है। मेरे प्राण लेकर मेरे पति की जान बचा लो ये कहकर ऐसा कौन सी औरत मन्नत मांगती है वसंती? अगले जन्म में भी तुम मेरी ही पत्नी बनोगी। उस नरसिम्हा की जान लेनी है, अपने बेटे की आत्मा को शांति दिलानी है, उसे मारना होगा, मारना होगा। मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दिया था कि तुम्हारा मंगलसूत्र ही तुम्हारे पति की जान बचा पाएगा, और सच में बचा ली। इनकी मौत उन्हें कैसे बचाएगी सर? अब इस केस की सुनवाई होने तक फांसी की सजा को आगे कर दिया जाएगा। क्या दुश्मनी है रे बाबा तेरी। क्या हुआ, गुदगुदी हो रही है? क्या ड्राइवर बाबू, आपको तो तेल मालिश भी नहीं आती है। मुझे दीजिए, मैं लगाती हूँ। ऐसे हाथ में तेल लेकर इस तरह ऐसे रगड़ते हैं, मजा आ रहा है ना? माफ रे, चंचल हंसी। फिर आराम से धीरे धीरे रगड़कर जांघों की तरफ आगे बढ़ते हैं, इससे मूड भी बन जाता है। औरत का हाथ लगने से इंसान कितना मूड में आ जाता है ना। और फिर धीरे धीरे ऐसे रगड़ रगड़ कर जांघों से ऊपर ऐसे पकड़ पकड़ कर इसे। क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, तुम दोनों पागल हो गए हो। बाथरूम में घुसकर रगड़ा रगड़ी कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, बच्चों को कैसे नहलाते हैं ये इनको नहीं पता, तो बस वही सिखा रही थी। ओहो, बच्चों को नहलाना नहीं जानते, ऐसे लोग भी ना जाने क्यों बच्चा पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो शादी क्यों की? ए, कौन बोला रहे? कौन बोला? हिम्मत है तो सामने आकर बोल के दिखा, डरपोक कहीं का गधा। बाबू को स्कूल भेजे क्या? अरे अभी तो वो एक साल का भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी? अरे वो छोटे बच्चों को संभालने वाला स्कूल है। बच्चा संभालने के लिए स्कूल? मुझे जब काम होता है तब आप संभालते हो, आपको काम होता है तब मैं संभालती हूँ, जब हम दोनों को काम होगा तब उसे कौन संभालेगा? लो देख लो, बच्चों को पैदा करना नहीं आता और पालना भी नहीं आता। उस स्कूल में छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। और सुना है ये स्कूल बड़ी अच्छी चल रही है। सर, एमडी अभी आ जाएंगे, आपको यही वेट करना होगा। आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया? हाँ हाँ, कर दिया। ओके सर। अनुषा? जी मैम। तुमने कहा था कि कोई एडमिशन के लिए आया है? यही पर तो बैठे थे मैम, और उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी रेडी था मैम। छोटे बच्चे के साथ आए थे? हाँ सर। बाथरूम गए होंगे, बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। अगर वो आए तो उन्हें बिठा देना। हाँ, हम अभी आते हैं। नीचे गिर जाएगा तो नहीं गिरेगा बेटी गौरी।
मुझे वाइजैक जाना पड़ेगा। इतना भी क्या जरूरी काम है, आप दो चार दिन वहाँ भी तो एक स्कूल है ना, वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। तुम यहाँ रहोगी तो स्कूल के सारे बच्चों को माँ की तरह संभाल लोगी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। सुनते ही सबको कुछ ना कुछ याद आता है। सुनो कुणाल, तुम्हें क्या याद आता है? माँ के हाथ का लड्डू टीचर। भुक्कड़ कहीं के, बैठ जाओ। सुमति तुम बताओ। स्केल टीचर। निखिल। किस टीचर? साइलेंस, हंस क्यों रहे हो? किस यानी माँ से मिलने वाला प्यार। सिट डाउन। गौरी बेटा तुम बताओ। माँ शब्द सुनते ही मुझे फुल पैंट, फुल शर्ट, चश्मा पहना हुआ प्यार सा हंसने वाला चेहरा मुझे पुकारते हुए याद आता है। बेटा मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में नहीं, तुम्हारी माँ के बारे में पूछ रही हूँ। वो शब्द, उनका रूप कैसा है मैं नहीं जानती टीचर। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। मेरी भूख मिटाने वाले, लोरी सुनाने वाले, पढ़ाने वाले, सब कुछ मेरे पापा ही है टीचर। तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि वो हम सब के लिए आदर्श है। स्कूल के HMB है वो। बैठ जाओ। नरसिम्हा। माँ मतलब मुझे अपनी माँ का हाथ ही याद आता है टीचर। मुझे नहलाती है उसी हाथ से, भगवान के सामने हाथ जोड़ना भी उसी हाथ से सिखाती है, मेरे मुंह में निवाला भी उसी हाथ से खिलाती है, रोने पर मेरे आंसू भी उसी हाथ से पोंछती है, उसी हाथ से मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चलती है, और बाल सहला कर मुझे सुलाने वाला भी वही हाथ है। सुपर। फ्रेंड्स, समुद्र, पहाड़, सब कुछ प्रकृति का। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग मास्टर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नरसिम्हा, तुम इनके साथ घर जाओ। लेकिन क्यों मास्टर? तुम्हारी माँ अब नहीं रही। तुम यहाँ बैठे हो, आज तुम क्लास में क्यों नहीं आए? तुम्हारी माँ मरकर भी वो तुम में ही रहती है। यकीन नहीं होता तो तुम अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करो, वो तुम्हें जरूर दिखाई देगी। सुनो बेटा, क्लास में जाओ। माँ जाओ। नरसिम्हा मत मारो, नरसिम्हा प्लीज उसे मत मारो, छोड़ दो उसे। क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, छोड़ दो ना नरसिम्हा। क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा बोलो, क्यों मारा उसे, क्यों मारा उसे? क्योंकि वो सब मिलकर बंटी को मार रहे थे जो चल भी नहीं सकता। मारा तो उन्हें सजा देने वाले तुम कौन होते हो? टीचर को बता देते, मुझे बताते, देखो कैसे मारा है, देखो। इनके पेरेंट्स को कौन जवाब देगा बोलो? तुम्हें तो चले जाओ यहाँ से, आउट। ओके मास्टर, तुम मेरे लिए इंतजार करती हो वो वेस्ट है, अब मैं स्कूल नहीं आऊंगा। तुम ही बताओ गौरी, मैंने जो किया वो गलत था क्या? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? जो तुमने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो। नरसिम्हा के बारे में कुछ पता चला है सर? क्या पता चला? उसने एक एक्सीडेंट किया है और वो आदमी अभी हॉस्पिटल में है सर। काफी है, इतना काफी है। थैंक यू सर। मुन्ना, हमें यहाँ से जाना होगा, इस गांव में रहना ठीक नहीं है बेटा। जिससे दूर रहना चाहता था उसी को मेरी आंखों के सामने खड़ा कर दिया भगवान ने, हमें जाना होगा। वो आखिर जाएगा कहाँ? कहीं भी रहे मेरी नजरों से बच नहीं सकता वो। गणपत भाई, मैं एक पुलिस के नाते नहीं, एक फ्रेंड के नाते बोल रहा हूँ। तुम बस कंप्लेंट दर्ज करवा दो, फिर उसके साथ क्या करना है मैं देख लूंगा। उसकी क्या जरूरत है सर, छोटा होश में आ गया है, बस ये ठीक होकर घर आ जाए, उसके बाद इसी के हाथों उसकी समाधि बनवाऊंगा। हमें कानून और न्याय की परवाह करने की क्या जरूरत? ओके सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। Thank you.
तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने क्यों रो रही हो? हम यहाँ पर कितना घुल मिल गए हैं, अब छोड़कर जाएंगे तो कैसा लगेगा? तो क्या सिर्फ तुमको ही छोड़कर जा रहा है? आप चुप रहिए जी। जब से शादी हुई तब से तो चुप ही रहता है। कौन बोला? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से, जाओ काम करो। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? तुम अंदर कहाँ चले? तुमको अंदर नहीं जाना है भाई, बाहर जाना है। वो साहब जी को बताने जा रहा है। साहब जी अंदर नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा मेम साहब को बता दो। साहब जी मेम साहब दोनों साथ में बाहर गए हैं। अच्छा तो छोटी मेम साहब को बता दो। छोटी मेम साहब साथ ही करते रहोगे तो तुम असल बात भूल जाओगे। कौन सी बात भाई? तुमको यहाँ से जाना है वो बात। छोटी मेम साहब बाबू को लेकर अंदर गई है। हाँ। बाबू को लेने के लिए अंदर जा रहा हूँ, चलेगा ना? चलेगा, जाओ जल्दी आना, भूल कर रुक मत जाना। तुम कहाँ चली? साथ देने को। किसका साथ? बाबू का। कौन सा, छोटा बाबू या बड़ा बाबू? चुप रहिए आप। तेरी तो क्या चुप रहूं? उन्हें कहाँ है? छोटी मेम साहब लेकर गई हैं। कहाँ गई हैं? मार्केट में। क्यों गई हैं? आप जाने वाले हैं ना तो बाबू के लिए ड्रेस चॉकलेट वो सब लेने के लिए गई हैं। अपना सामान लेकर जल्दी से आ जाओ, ऑटो वेटिंग में है, ऑटो का भाड़ा भी मैंने दे दिया है, जल्दी से आ जाओ। बिना कहीं रुके सीधे मार्केट चले जाना, बीच में कहीं रुके तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लो। संभाल के जाना, हमें भूल मत जाना। किसे नहीं बोलना? किसे? चल चुपचाप अंदर जा, तू जल्दी निकल यहाँ से। अब मेरा कोई कंपटीशन नहीं करेगा, मैं ही हीरो हूँ। इधर आओ, इधर देखो। अरे देखा तुमने? देखो क्या होती है उसे पता के रहूंगा। मैं जिस तरीके से आज रो रहा हूं उसे भी रोना ही पड़ेगा। उसके बेटे को मारने के बाद उसे तड़पते देखना है मुझे, फिर उसके बाद उसे भी चीर दूंगा। गणपत की पावर क्या है ये पूरा शहर देखेगा। इसीलिए आंगन में रखने वाली लाश को चौराहे पे रखा है। ए, हाँ भाई। इसी वक्त उसके बेटे को लेकर आओ। ठीक है भाई। ए, चलो, चलो। ए, चलो बारा। क्या गलती की है? चल मेरे साथ, रात बतानी पड़ेगी तुझे। इफ यू कम आउट आई विल शूट यू। वैसे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। क्या गलती की है मैंने? जिसका तूने एक्सीडेंट किया वो गणपत का भाई है, याद आया? अब वो मर चुका है। उसे तो होश आ गया था, वो मर कैसे गया? कैसे भी मरा, लेकिन मारने का पाप तो तूने ही किया ना। मीडिया के सामने लेक्चर देकर मुझे पुजारी से माफी मंगवाई, सबके सामने मेरी प्रेस्टीज की धज्जियां उड़ा दी। अब तुझे दिखाऊंगा पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडे मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं। गाड़ी रोकिए सर। वो बंद करो, चुपचाप बैठ के सर। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। भाई, उसके बेटे को लेकर आया भाई। दो टुकड़े कर दूंगा इसके, उछाल दे उसे। मुन्ना तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। मैं हूं ना बेटा। उसे मारकर बच्चे को लेकर आओ। Thank you.
से बैठ जाओ। तुम इस खिलौने के साथ खेलो, मैं इन गधों के साथ खेलता हूँ। मार दूँ उसे। मैं इन गधों को थोड़ा सा घास चरवा कर अभी आता हूँ बेटा। आता है, मुझे गिरना भी आता है, उठना भी आता है और उठा देना भी आता है। तुझसे सिर्फ यहाँ के लोग डरते हैं, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र की जान हूँ। मेरे सामने भाईगिरी दिखा रहा है। तेरा लेवल इस तलवार की साइज का है, मेरा लेवल तलवार की धार जैसा है। अंडर एस्टिमेट मत करना मुझे। मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। मुझे टच कर, नो डेंजर, लेकिन मेरे बच्चे को टच किया तो नो फ्यूचर। काट के फेंक दूंगा तेरी माँ, चीर के रख दूंगा। अपना ख्याल रखना। बेटा काम हो गया, अब चलते हैं। चल चल। मेरा बेटा यहां कैसे आ गया? मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने कुछ भी मन में ना रखकर मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? कुछ भी नहीं हुआ है गौरी। आप चुप रहिए। पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया था? कुछ गुंडे स्कूल में आकर मुझे मारकर बच्चे को उठाकर ले गए थे। कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? और ये खून? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं। वैसे आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नथिंग नथिंग। वो देखो, उन्होंने ही अपने बेटे को बचाया है। बहुत अच्छे इंसान है वो वहां खड़े हैं। मैं उन्हें थैंक्स बोल के आती हूँ। प्लीज की अहमियत
अहमियत नहीं जानता, उसने मेरे बच्चे की जान बचाई ये सुनकर हैरान हुई हूँ। तुम्हें कभी नहीं देखूंगी, सोचा था तुमसे मिलने की नौबत भी नहीं आएगी, पर बैड लक आना पड़ा। पर अब बस कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और तुम भी मत सोचना। सच कहूँ तो ये मेरे लिए हेल्प नहीं, एक पनिशमेंट है। तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है। यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। मार्केट में बाबू के लिए सामान लेते वक्त बहुत शोर शराबा हो रहा था, सब लोग भाग रहे थे, बाबू को कुछ ना हो इसलिए मैं मंदिर दौड़कर चली गई। ठीक है चलो। पेट भरकर लड्डू खाओ और एंजॉय करो। आपकी पत्नी का जन्मदिन है क्या? मैं तुझे लड्डू खिला रहा हूँ और तू मेरी बीवी के बारे में पूछ रहा है। सॉरी चीफ। आप पापा बनने वाले हैं क्या चीफ? अरे चुपचाप लड्डू खा ले, जो चीफ से होगा नहीं वो क्यों पूछता है तू? अरे पागल कहीं के, संतान होने के लिए भगवान की दया चाहिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो एक काम कीजिए, हर रात भगवान के सामने हाथ जोड़ कर सो जाइए, वो ऑटोमेटिक बच्चे पैदा कर देंगे। लड्डू रख। थैंक यू चीफ। इस खुशी में बांट रहे हो लड्डू? मेरे यहाँ से जाने की खुशी में मैं सबको यहाँ लड्डू बांट रहा हूँ, और तू खुद ही उठाकर गपा गप खा रहा है। अब हमेशा के लिए यही रहूंगा, ये मैंने तय कर लिया। सुनकर बहुत खुशी हुई। किस बात की खुशी हो रही है? अब चुप रहिए। क्या चुप रहूं? अगर किसी ने ताली बजाई तो एक एक को काट डालूंगा। वैसे बताओ तुम ये गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसी लड़की की रक्षा के लिए मैं दोबारा उसकी जिंदगी में लौट कर आ गया हूँ, यही मेरा कर्तव्य। तुम किस बात पर घोड़ी की तरह हिलना रही है? बहुत खुशी, ऐसे इनकी लाइफ में पहली बार हो रहा है। कौन बोला, कौन बकवास कर रहा है? तुम लोग क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो यार, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया? अच्छे से काम करना पड़ेगा। पीछे दो, बाजू में दो, हमेशा उनके साथ रहेंगे। मैडम जब भी बाहर जाएंगी उनके साथ हमेशा दो पीसीज वायरलेस के साथ जाएंगे, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके कैरी ऑन। ओके सर। हम जा रहे हैं। गौरी कहाँ जा रही हो? मेरे पापा के घर। इतना सारा लगेज, ये तो बताओ कितने दिनों के लिए? हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। क्यों गौरी, मैंने क्या किया है? उस गणपत के भाई को मार दिया तुमने, बदला लेने के लिए गणपत मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। तुम्हारे पाप और तुम्हारी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को क्यों मिले? हाँ ये बात तुम कैसे जानती हो? कई पुलिस ईमानदार होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बीवी और बच्चे से ज्यादा पैसा जरूरी है। आई कांट लिव विद यू। सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस, मुझे पैसा नहीं, मेरा बच्चा प्यारा है। जीने के लिए जितना चाहिए होता है ना उतना है मेरे पास। किसी के खून से लते हुए पैसे नहीं चाहिए, और ना ही डे नाइट की टेंशन भरी लाइफ चाहिए। डोंट टच मी। अपने बच्चे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा गौरी, इसलिए मुझे मार कर चली जाओ। प्लीज प्लीज गौरी, मुझे मार कर। एएसपी के बेटे को बचाने के लिए मेरे आदमियों को मारकर मुझे हॉस्पिटल में लेटा दिया नरसिम्हा ने। हम सब के लिए यहाँ सिर्फ आप ही भगवान है भाई, आप हुक्म कीजिए उसके हम टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। कौन है ये नरसिम्हा? नरसिम्हा, मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे कौन मारेगा? एक एक करके मारोगे या सब मिलके मारोगे? जल्दी से डिसाइड कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ किस लिए आया है तू? एएसपी के बेटे को क्यों मारना चाहता है तू? ताकि मेरी तकलीफ उसे पता चले, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बदले CO2 सप्लाई करके मेरे जान से भी प्यारे भाई को उसने मार। कौन है तेरा भाई बे? तो महाभारत का दुर्योधन है या रामायण का रावण है? उसने लड़कियों की इज्जत लूटी है और बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। ऐसे घटिया इंसान का एसपी ने एनकाउंटर करके सही किया है। अगर मैं होता ना तो बीच रास्ते में ही चीर डालता।
मेरा भाई मेरी जान था। गांधी को मारने वाला गोडसे भी अपने माँ बाप का चहेता था। इसका मतलब ये नहीं कि पापी महात्मा बन जाएगा। अब ये सब बात छोड़ और अपनी खैर मना और अपने चमचों को भी संभाल, वरना लाशें भी जाएंगी यहाँ। तू ये मत भूलना, जब तक मैं एएसपी की फैमिली को खत्म नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। अभी तेरे शरीर में तेरे प्राण बाकी है। एएसपी की फैमिली को कुछ हुआ तो तेरे प्राण ले लूंगा और तुझे जहन्नुम की आग में झोंक दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये सारे पैसे उस कुत्ते को लौटा दो। किसे सर? उस गणपत भाई को। यस सर। यहाँ क्यों बैठे हो? लगता है कुछ सोच रहे हो। एनी प्रॉब्लम? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। बतख और कबूतरों को दाना डाल रहा हूँ। बाबू की फोटोज को देखो, कितना प्यारा लग रहा है ना। अरे ये तो लड़की वाला गेटअप में, कब खींचे तुमने ये फोटो? उसके पास तो ऐसे ड्रेस भी नहीं। पर अच्छा दिख रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये आपका बच्चा नहीं है। सी दिस, उन्होंने ये सारी फोटोज फेसबुक पर रखी है। रुकिए, उस दिन मार्केट में उनसे छिपते हुए आप बाबू को लेकर आए, मुझे यहाँ पर तभी शक हो गया था कि दोनों बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं और आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। इफ यू थिंक आई एम योर फ्रेंड तो बताइए, और अगर कोई परेशानी है तो मत बताइए। ये हर किसी को बताकर दिल के बोझ को हल्का करने वाली कहानी नहीं, इसे मेरे अंदर ही रहना चाहिए जब तक मेरी सांस चल रही है। आई एम सॉरी। थैंक यू। भगवान, इसे सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे सीट मिल गई तो ये पैसों से वोट खरीद कर एमपी बन जाएगा। उसके बाद मैं इस जन्म में तो एमपी बन ही नहीं पाऊंगा। सफल हो जाए, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ऑपरेशन से ही बच्चा बच सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। सर क्या हो रहा है सर? 10 मिनट के अंदर मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ट्रैफिक को क्लियर कीजिए सर। हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन देश चलाने वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। Hey, you're a traffic constable? Yes. Why don't you clear a way for us? I need to catch my flight. It's already very late. ये क्या है सर? बीच सड़क पर पब्लिक को इतनी तकलीफ हो रही है, क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? पब्लिक को तकलीफ ना हो इसलिए धरना कर रहे हैं। एमपी सीट मिल जाएगी तो जरूर जश्न मनाएंगे और फिर बाद में उसी पब्लिक के लिए बेहिसाब अच्छे काम करेंगे, ऐसा झूठ बोल देना है। मैं वीरा राघव रेड्डी बोल रहा हूँ। नमस्ते संधि जी। संधि जी, शादी के पत्रिकाएं छुपवा चुका हूँ। बहुत ही अच्छा किया संधि जी। मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, मेरा दामाद कम से कम एमपी होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे बेटे के नाम के आगे एमपी लिख कर प्रिंट करवा दिया है। दामाद जी को सीट कन्फर्म मिल जाएगी। उससे सीट भी मिलेगी और जीत भी मिलेगी। ये क्या हो गया? और बच्चा दोनों की मौत हो गई। Oh,
रास्ता जाम करके क्यों रखा है? मुझे एमपी बनना है। उसका फैसला जनता करेगी। इससे पहले पार्टी टिकट चाहिए ना। सब तुझे पार्टी में छोड़, पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? धरना देना तो जैसे फैशन हो गया है। क्या प्रॉब्लम है वहाँ जाकर धरना दे? यार किराए के गुंडों को लाकर रोड पे हंगामा कर रहा है। सड़क क्या तेरे बाप की जागीर है या ससुराल से मिला हुआ दहेज है? काम होना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा। ये मेरी जरूरत है। सबकी अपनी अपनी जरूरत है। यहाँ सब तेरी नौटंकी देखने या तेरी जुमलेबाजी सुनने नहीं आए। एक माँ और बेटे की जान चली गई है, वापस लौटा सकता है? स्टूडेंट्स के एग्जाम मिस हो रहे हैं, उन्हें भविष्य दे सकता है? लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहे, तू जाकर उनका काम करेगा? मेहनत मजदूरी करने वाले, ऑटो ड्राइवर, कुली, ऐसे हजारों लोग हैं, उन सबको खाना दे सकता है तू? बोल, दे सकता है? प्रॉब्लम से मुझे क्या, मुझे अपनी सीट चाहिए, समझा? कुर्सी पर बैठने वाले को प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहिए, क्रिएट नहीं करना चाहिए। तू कुर्सी पर बैठने लायक तो क्या, कुर्सी को छूने लायक भी नहीं। सीट मिलते ही जीत जाऊंगा तो पहले तुझे देखूंगा। गलत, इन गीदड़ धमकियों से मुझे डरा नहीं सकता। क्या करेगा तू? जितनी बार मुझे धमकियां देगा उतनी बार तेरी बैंड बजाऊंगा। पापा, यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, अपना पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। सुनो, तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से, तुम्हारा एमपी टिकट कंफर्म हो चुका है बेटा। तुम निकलो वहाँ से। पार्टी ऑफिस में जाकर फॉर्म लेकर सीधे कलेक्टर ऑफिस में चला जाऊंगा। आज आखिरी दिन है, नॉमिनेशन का 1 घंटा बचा है, जल्द से जल्द आ जाओ। ओके पापा, मुझे पार्टी से टिकट मिल चुकी है। नॉमिनेशन के लिए जाना है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, गाड़ी निकाल। ए, काम तमाम करेगा बोल रहा था ना, अब क्या करेगा? ए, पुलिस, ट्रैफिक क्लियर करो। ओके सर, बस पुलिस रुक जाइए। बहन, आपने अपनी बेटी को तो खो दिया, अब आपको जाने की जल्दी क्या है? जान बचाने के लिए जल्दबाजी थी, लाश को जलाने के लिए कैसी जल्दबाजी होगी सर? यो भाई, एग्जाम के लिए जाना है? मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ सर, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। हाय जेंटलमैन, नो माय फ्लाइट इज ऑलरेडी लेफ्ट, आई विल कैच टुमारो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। और किसी को अर्जेंटली जाना है? आप सब अपनी गाड़ियाँ छोड़कर इस तरफ आ जाइए, अब देखते हैं ये कैसे जाता है। ये गुंडा मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से, ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस पहुँच चुका हूँ, 1/2 घंटे का टाइम बचा है, जल्दी आ जाओ। चलो। पीछे पीछे। क्या रहे हो? पहले ट्रैफिक क्लियर करो। आपने ट्रैफिक जाम करवाया सर, अब मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ सर? टाइम निकल रहा है, चलो यहाँ से। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? सब रेडी है सर, सिर्फ साइन चाहिए सर। सर, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। सब सब प्लीज सर, मेरा बेटा आ रहा है, उसका नॉमिनेशन कराना है, उसका भविष्य आपके हाथ में है सर। बेटा है सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। चला बेटा। 23 मिस कॉल्स थे, देखे तुमने? 2+3 5 होते हैं, ये मेरा लकी नंबर है। हाँ, मजाक मत करो, तुम्हारे लिए ट्रैफिक जाम क्या चीज है, उसे भी क्लियर करके आ जाते ना। अरे अरे, गुंडागर्दी मैंने छोड़ दी, और वैसे भी तुम्हारे बिना मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी, इसीलिए बड़े सब्र से चुपचाप अपने गैराज में शांति से बैठा रहा। अच्छा ये बताओ, मुझे मिस किया था? यस। कितना? इतना सारा। अरे संभालो संभालो, हम गिर जाएंगे। क्या हुआ, स्पीड ब्रेकर है तो रुको। लव ब्रेकर आ गया, वो देखो। और कब करोगे, कल ही तो विजयादशमी है। कब तक उन्हें देखकर डरते रहोगे? डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। आज तो जाके तुम्हें बात करनी पड़ेगी, जाओ जाके मेरा हाथ मांगो, जाओ। अरे यार, कई बार मांग चुका हूँ। कितना झूठ बोलते हो तुम, गुड मॉर्निंग मास्टर ये बोल के ना वापस आ जाते हो। पता नहीं क्या हो जाता मुझे, शेर के सामने बब्बर शेर बन जाता हूँ, लेकिन मास्टर जी के सामने आ जाने से अचानक मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। अगर आज तुमने जाके बात नहीं की ना तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर कब तक ऐसे घूमते रहेंगे, इतने बड़े हो चुके हो तुम। अरे अभी तो कौला हूँ। सही कहा,
तुम तो अभी भी कहाँ बड़े हुए हो, जिंदगी भर डुएट्स गाते फिरना। लेकिन मेरी उम्र निकलती जा रही है, मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने और उनके साथ खेलना है, समझे? अरे तुम जिस स्कूल में पढ़ाती हो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ खेल लो। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। अरे तो तुम्हारे सामने ये मर्द खड़ा है, लो अभी बच्चा ले लो। तुम मर्द हो वो मैं जानती हूँ, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है, जाओ। अब क्या हुआ? अरे मास्टर जी हमेशा भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे जानते हो ना? बहुत अच्छे से। तो फिर मेरे लिए जाकर अच्छे से बात करो, ठीक है? ये पकड़ो, पहने रखो, आँखों में डर नहीं दिखना चाहिए। अरे कोई डर वर नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा, ये लो। हिम्मत से आगे बढ़ो, अपनी दिल की बात बताओ, सीना तान के जाओ, तेज चलो। चलता हूँ मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। कौन हो तुम? मैं आपका स्टूडेंट मास्टर जी, नरसिम्हा। याद नहीं आ रहा है? पांचवी कक्षा तक मैं आपके पास ही पढ़ा था मास्टर जी। अरे कहा ना, याद नहीं आ रहा है। ओ, कोई बात नहीं मास्टर जी। हे भगवान। सुनो। जी मास्टर जी। वैसे यहाँ किस लिए आए थे? मैं आपकी बेटी से। मेरी बेटी से? मैं आपकी बेटी से पूछने आया था कि क्या वो गांव से आ गई, यही पूछने आया था मैं। इसकी तो उसके आने का वक्त हो चुका है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? सर आपकी बेटी की गाड़ी को रिपेयर करा लो, मैं यहाँ का बहुत मशहूर मैकेनिक हूँ, इस एरिया की छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब मैं ही रिपेयर करता हूँ, इसीलिए आपकी बेटी से। मेरी बेटी के पास गाड़ी नहीं है। सर आपकी गाड़ी रिपेयर करनी है क्या? मेरे पास भी नहीं है। तो फिर जब नई गाड़ी लोगे तो रिपेयरिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना, उसकी रिपेयरिंग का काम सर मुझे ही देना, अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। चलता हूँ मास्टर जी। इधर देखो क्या बोल कर आए हो तुम। मास्टर जी देख लेंगे, चलता हूँ। नरसिम्हा तूने इसका बुरा हाल करके बहुत अच्छा काम किया भाई। हमारी मान मर्यादा सब कुछ खत्म हो गया, एमपी सीट भी हाथ से जा चुकी है। हारने गई एमपी सीट, इस इलेक्शन में नहीं मिली तो अगले इलेक्शन में मिल जाएगी। लेकिन हजारों करोड़ों की जायदाद में रहने वाले सेंट्रल मिनिस्टर के इकलौते दामाद होने का बोझ तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं मिलने वाला। तो उस लड़की से पहले शादी तो कर ले, फिर उस नरसिम्हा की मौत तो तय ही है। बीच रास्ते पर उसने तेरी बेइज्जती की, इसलिए चारों दिशाओं में उसके मौत की चीख सुनाई देनी चाहिए। चलो, ए रंगा। हाँ भाई। क्या कर रहा है तू? अरे गियर बॉक्स रिपेयरिंग कर रहा हूँ, एक घंटे में हो जाएगा। 6-8 का पाना चाहिए, कब से मांग रहा हूँ मैं। 6-8 का पाना नहीं है सर। मंगा। जी ओनर सर। गोडाउन में नए 6-8 पाने का पैक होगा, जल्दी लेकर आ। 6-8। ओनर सर 6-8 ये लीजिए, लेट हो गए, सॉरी। क्या है ये 6-8 है? मैं बताती हूँ सर। मंगा। मंगा क्या कर रही हो ये? का पाना मांगा तो 68 बड़े बड़े सामान गिरा कर आई हो तुम यहाँ। सॉरी ऑनर सर। क्या सॉरी? वेरी सॉरी ऑनर सर। ऐसे कितनी बार कर चुकी हो तुम? पता नहीं, कभी गिनती नहीं की। हमें तुम्हारी यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए। क्या कर रही है? उठ जा। मुझे क्या गिरने पड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता? मैं कहीं और काम नहीं करूंगी। अच्छा क्यों? मुझे पढ़ाया लिखाया आपने, मुझे नौकरी भी आप ही ने दी, मेरे लिए रिश्ता भी देखा आपने, शादी भी आप ही करवाओगे, मेरी जिंदगी संभालने वाले आप ही हो, पूरी जिंदगी में मेरे पास एक ही ऑनर रहेंगे वो है आप। ये भूत बन के क्यों घूम रहा है? शायद फिल्मों में भी एक्ट्रेस इतने रूप बदलते नहीं होंगे जितनी ये मंगा मुझसे करवाती है। मेरा हफ्ते में दशावतार होता है, लगता है विश्व रूप लेना पड़ेगा।
भैया मेरी शक्ल देखो भैया, कीचड़ से मुंह धो के आ रहा है क्या? कीचड़ नहीं है भैया, मंगा ने 10 कप कॉफी से अभिषेक कर दिया। अरे क्या भैया, इसीलिए तो तुम सबको कभी कभी कॉफी, टी, सिगरेट, ब्रांडी भी पिलाकर मांडवली कर देती हूँ। इन लोगों से मांडवली करने की बात कर रही हूँ, यहाँ इतना सामान जो तोड़ दिया उसकी मांडवली कौन करेगा? इस गैराज का सिर्फ मैं अकेला मालिक नहीं हूँ, जानती हो ना? जानती हूँ। क्या जानती हो? फर्स्ट ईयर टेम्पररी, सेकंड ईयर परमानेंट, थर्ड ईयर पार्टनर, मुझे यहाँ 4 इयर्स हो चुके हैं। 4 इयर्स हिसाब करेंगे तो 1 महीने की पगार भी नहीं मिलनी चाहिए ना। अबे तेरी तो, तू बाहर तो आ, तेरे क्वार्टर में जमा कोटा मिलाकर अगर तेरी वाट ना लगाई तो मैं अपना नाम जल दूंगी। अबे ये क्या था? ये मेरी वॉइस नहीं थी भैया, मंगा की माइंड वॉइस थी। अच्छा, तो इतना बोलती है? आपको देखकर सीधी बनती है भैया, पूरे शहर को बेच सकती है ये, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अच्छा थोड़ा सा, चलो जाओ। अरे चलो चलो चलो, सब अपना अपना काम करो, जल्दी सारा सामान ठीक से रख के अपने अपने काम पे लग जाओ। मंगा, ये लीजिए। एक बात सुनो, ओनर की इज्जत करना अच्छी बात है लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, ठीक है? ए बटले जरा साइड हट। भैया अगर तुम्हें ऋण चाहिए या फिर पाना चाहिए, रंगा कहकर मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। लाला कहकर बुलाओ, वो आ जाएगा। या फिर इस बटले को बुला लिया करो, लेकिन मंगा कहकर मत बुलाओ भैया, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ ठीक है चलेगा, थैंक्स भैया। आइए समझी जी, अकेला मैं ही नहीं हूँ, इसके नॉमिनेशन के लिए कुत्ते की तरह घूम घूम कर गली गली में भीख मांग कर लोगों के हाथ पैर छोड़े। अब अगर मैं ये शादी के कार्ड लोगों में बांटने जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, इसलिए शादी की सारी पत्रिकाएं मैंने जलाकर राख कर दी। ये कुछ सैंपल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे के नाम के आगे MP कहकर प्रिंट करवाया है। हाँ, अब इन सबको अच्छे से फ्रेम करवा कर पूरे घर की दीवारों पर लगवा लो। हे चलो गाड़ी निकालो, एक पल इस घर में और खड़ा रहा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। नरसिम्हा, तुम मेरी बेटी के लिए भगवान नरसिम्हा हो। मेरा समय अच्छा था जो इनकी औकात पता चल गई। तुम्हारी तस्वीर लगाकर पूजा करूंगा। तुम सबके रिएक्शंस देखकर पता चल रहा है कि 3 पैग अंदर जा चुके हैं। अब तुम सभी सच उगलोगे, चलो शुरू हो जाओ। इस इलाके में मेरे बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं? इंद्र और चंद्र तुम्हारे आगे 0 है भैया, लोगों की नजरों में तुम ही हीरो हो, तुम अमरावती के किंग हो। किंग भैया, उसको ज्यादा हो गई, बस कर। भैया भैया मैं एक बात बोलूं? बोल। आप एक गुंडे हो। करेक्ट। मैकेनिक गुंडे हो। ए उसको डाल रहे। थैंक यू। फैक्टनिस्ट हो, साइक्लिस्ट भी हो, पर लंबे वेस्ट हो। ए उसका ग्लास छीन ले तो। पर मैंने तो सच कहा है भैया। गौरी। हाँ गौरी। हाँ भैया, आपके कहे मुताबिक घर का कलर बदल दूंगा, कार्टन्स भी नए लगा दूंगा, खिड़कियाँ भी नए बनवाऊंगा और स्लैब भी बनवा दूंगा। तुम सब कितने पानी में हो मैं जानती हूँ, इसलिए ओवर एक्टिंग मत करो। भैया आप दोनों बात कीजिए, हम लोग बाद में आते हैं। बैठ जाओ, यहाँ कोई लव सीन नहीं होने वाला है, सिर्फ फाइट सीन होगा। कांग्रेस भैया, किस लिए? फाइट सीन होगा तो पक्का आप ही जीतोगे। सही बोला, उसे डाल दो। थैंक्स गोरी। ये क्या है? क्या ये? देख लो तुम्हारे नाम से कितने कंप्लेंट्स है, जरा देखो तो। अरे रे, मैंने तो कोई गुंडागर्दी नहीं की गौरी, सब कुछ छोड़ दिया है गौरी, ये कहकर नाटक करती थी ना, अब बताओ मुझे। सब झूठ है गौरी, भैया के बारे में सब झूठ बोल रहे हैं। बस करो, ये तो छोटा बच्चा है, सच बोलेगा, शक्ल तो देखो। गौरी सच बोल रही है, पुलिस स्टेशन में भैया के नाम पर 6 कंप्लेंट्स है लेकिन किसी की भी FIR दर्ज नहीं हुई है। करेक्ट। थोड़ी सी ले लूं क्या? नहीं, ऑलरेडी तुम्हारी जबान नड़खड़ा रही है। ये देखो, बीच सड़क पर तलवार से एक का हाथ काट दिया। किस लिए काटा है ये भी जानना जरूरी है ना? मुझे अगर ड्रिंक नहीं भी मिलेगी तब भी मैं सच ही बोलूंगा। एक गुंडा बाइक से सब्जी खरीदने वाली एक औरत के गले से चेन खींच कर भाग गया, उसका गला कट गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। ठीक है, वो सब छोड़ो और इसके बारे में बताओ। ये क्या है? तुम कार में जा रहे थे, तुमने एक आदमी को पकड़कर सीधा उसे एक खंभे पर पटक दिया, उसका सर फूट गया, अब वो हॉस्पिटल में है, उसकी माँ ने कंप्लेन तो की है लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज की। क्यों नहीं दर्ज की है? उसने क्या किया पता है? एक लड़की ने उसे प्यार करने से मना किया तो उस लड़की के चेहरे पर सारे आप उसने एसिड फेंक दिया, वो लड़की अभी हॉस्पिटल में है। मुझे ना कहकर किसी और को चाहती है क्या? जाकर उसी से शादी कर ले। ऐसे में उसे मारा तो क्या गलत किया? मेरे मुँह से तो उसके लिए गाली निकल रही है। एक्टिंग करके मेरा हिस्सा मत पी, उसे वैसे ही मरने दो। ये बताओ ट्रक को क्यों जलाया? तुम डर क्यों गए? तुम तो हीरो हो बॉस, आई विल हैंडल द केस। गौरी, उस ट्रक में क्या था जानती हो? हॉस्पिटल में सप्लाई होने वाली डुप्लीकेट दवाइयां थी, एक्सपायर्ड। ये देखो भाई,
पेट्रोल डाल उसमें। उन दवाइयों की वजह से कितने लोग मारे जाते जानती हो, लेकिन अब सिर्फ ट्रैक ही तो जला है और क्या। और मार्केट में झगड़ा क्यों किया तुमने? ये आपका मैटर था गौरी। मेरा मैटर? हाँ, आपको छोटे बच्चों से प्यार है ना? हाँ। उन छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें अंधा बनाकर रोड पर भीख मंगवाते थे वो लोग, उनकी मदद के लिए ये सब किया गौरी। छी, ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है? ये लोग ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? मासूम बच्चों के साथ ऐसी हैवान। ये बताओ तुम ये सब क्यों करते हो? पुलिस नहीं है क्या या कोर्ट नहीं है? है लेकिन नहीं है। टेंशन क्यों लेती हो? दुबली हो जाओगी। ए, एक फ्रेश ग्लास है ना? फ्रेश है भैया। सॉरी, आजकल लड़कियां भी पीती है, तुम भी एक बैग लगा लो। हाँ दो। अरे मजाक कर रहा था। अरे क्या हुआ? दो ना। नहीं नहीं, हा? ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं नहीं, अरे भाई लोग इधर सीन चेंज हो रहा है। चलो चलो चलो, ये तो मुझे माफ कर दीजिए पापा, इतनी बेरहमी से बेइज्जती होने के बाद दुनिया में हर रोज मरते मरते जीना मुझसे नहीं होगा, लेकिन मेरी मौत जिसकी वजह से हुई है उसकी मौत होने तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपका प्यारा बेटा रवि। ए, बाहर क्या खड़ा है? अंदर चल। मंगा पर किसकी नजर पड़ेगी जो नजर उतार रही हो? मेरी नजर है यार, क्योंकि मंगा को इस तरह सर झुकाते हुए कभी देखा नहीं है। अभी तक भाई क्यों नहीं आया? गौरी भी साथ आई है ना, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा। लेट भी आए तो कोई परेशानी नहीं है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। नरसिम्हा भैया एक बार मंगा को बुलाएंगे तो वो दूल्हे को धक्का दे देगी, पंडित जी को लात मार देगी, मंगा सूत्र कचरे पेट में फेंक देगी और बाकी सबका हाल बुरा हो जाएगा। जाओ 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 तुम्हारे, जाओ जाओ। आज रहने तो ना, फिर कभी बात कर लूंगा। आज मंगा की शादी में जाना है। उसकी शादी के लिए टाइम है, अपनी शादी फिक्स करके ना उसकी शादी में दोनों मिलकर जाएंगे। पहले जाओ। अभी स्टाइल क्यों चाहिए? स्टाइल नहीं है, आंखों की घबराहट दिखनी नहीं चाहिए ना उसके लिए। ओ, डरना मत, क्लियरली अपनी दिल की बात करना। हाँ, ओके, गो। आग लगा दूंगा देखना। ओ, पहले जाकर बात तो कर लो। मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। कैसे हैं मास्टर जी? ठीक हूँ, तुम कौन हो? नरसिम्हा, आपका स्टूडेंट, पांचवी कक्षा में आपके पास पढ़ा था, याद आया? हाँ हाँ हाँ, याद आया। लेकिन तुम मेरे पास पढ़े हो ये याद नहीं है, पर तुम एक मैकेनिक हो जानता हूँ, मेरे घर आए थे ना? हाँ मास्टर जी। मास्टर जी, आज मैं आपसे एक चीज मांगूंगा, गुस्सा मत करना प्लीज। बोलो। आपकी बेटी से? हाँ, जब वो गाड़ी खरीदेगी तो बता दो। वो बात नहीं है मास्टर जी, आपकी बेटी से मैं। मेरी बेटी से? सीधे ही पूछ लेता हूँ मास्टर जी। पूछ ले, खुल के पूछो ना यार। सीधे ही पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी कब खरीदेगी। तो जाकर पूछ लो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, वो भी रोड पर। पागल कहीं का। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दुल्हन के सिर पर पान सुपारी रख दीजिए। पंडित जी, ये पान सुपारी वगैरह कुछ नहीं, ऑनर सर अभी तक आए नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिए। जरा अपनी शक्ल तो देखो, गांव में शेर और घर में बिल्ली बने घूमते हो। नरसिम्हा, तुम्हारी मेहरबानी से मेरा रास्ता साफ हो गया। एमपी तो बन चुका हूँ, अब सीएम भी बन जाऊंगा। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ए बुड्ढे, इसे कहो पहले मेरे पापा से बात करे, या फिर तुम खुद जाकर मेरे पापा से बात करके हमारा रिश्ता फिक्स कर दो। नरसिम्हा लवर है, इसकी जुबान और दिमाग दोनों बहुत तेज है, जरा संभल कर रहना। पकाना बंद करो, निकल यहाँ से। हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स। तू गाड़ी आगे बढ़ाना, जल्दी चल, संभल कर। जरा ठीक से बात करो ना।
ठीक है। आ रंगा, हम रास्ते में ही हैं। आशीर्वाद से तेरी शादी हो रही है ना, तेरे गले में मंगलसूत्र पड़ने से पहले तेरा गला ही काटे। छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, हमें छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। वो ये मंडप में आग लगा दो। तेरे बस का काम नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। किसे मारना किसे बचाना ये उसकी मर्जी है। तेरे माथे में जो लकीर है ना, वो बता रही है कि तेरा टाइम खत्म हो चुका है। उसने मुझे ऑर्डर दे दिया है कि मैं तेरे बाप के साम्राज्य को खत्म कर दूं। मार के बदले मार, चोट के बदले चोट, मौत के बदले मौत। मौत क्या होती है मैं बता रहा हूं। ए,
मेरी बंदूक की गोली नहीं, एक माचिस के तीले डिसाइड करेगी। मौत के खौफ से निकलने वाली तेरी चीखें सुनकर वो मरे हुए लोग भी उठकर नाचने लगेंगे। ये ले, हर साल है। रामी रेड्डी ने बड़ी बेरहमी से अपने आदमियों के साथ मिलकर 8 लोगों की हत्या कर दी। ये सबूतों और गवाहों के आधार पर सच साबित हो चुका है। इसमें शामिल होने वाले इनके 16 साथियों को 3 साल की सख्त कारावास की सजा सुनाई जाती है। नरसिम्हा पर लगाए गुनाहों का कोई सबूत ना मिलने के कारण अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। जानवर की तरह इतने लोगों की हत्या करने वाले रामी रेड्डी को IPS सेक्शन 302 के तहत ये अदालत फांसी की सजा सुनाती है। पापा, आपके लिए सांबर का पाउडर, रसम का पाउडर सब कुछ किचन में रखा। मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। आप थोड़ा तुम जॉब छोड़ दो बेटी। क्यों पापा? तुम्हारी शादी करने की सोच रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों है पापा? तुम्हारी उम्र निकली जा रही है इसके लिए नहीं, लेकिन मेरी उम्र तो बढ़ती जा रही है ना। नरसिम्हा को फोन करके मेरे पास पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के बारे में मैं जानता हूं, तुम्हें भी। जब भी तुमने पूछा मैंने कहा मुझे याद नहीं है। जानते हो क्यों? तुम्हारा कैरेक्टर नरसिम्हा, यानी खूंखार सिंह के अलावा 4 लोगों के बीच जीने वाला नरकार है। जानता हूं बेटी, जानता हूँ। तुम दोनों बचपन से ही अच्छे फ्रेंड्स हो, जानता हूँ। फिर भी कभी क्यों नहीं रोका पता है? बिन माँ के बच्चे हैं, सोचा था फ्रेंडशिप तक ही रहेंगे, लेकिन बात आगे तक चली गई। प्यार करना गलत नहीं है बेटी, पर कैसे इंसान से प्यार कर रही हो वो जरूरी है। उसकी जिम्मेदारी पालने पोसने वाले माता पिता की होती है। क्यों बेटी, इसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम इससे शादी करना चाहती हो? ये एक गुंडा है, जानती हो ना, झगड़े करता रहता है और किसी का गला भी काट सकता है। इससे शादी करके अपना घर बसाओगी या इसके गुनाहों को छिपाती फिरोगी? नरसिम्हा गुनहगार को सजा देता है पापा, लेकिन खुद कोई गुनाह नहीं करता। सजा देने वाला ये कौन होता है? खाकी वर्दी पहनने वाला पुलिस है, कोर्ट में फैसला सुनाने वाला जज है, या पाप और पुण्य का फैसला करने वाला भगवान? आफ्टर ऑल ये एक गली का गुंडा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ पापा, ये गुंडागर्दी छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा बेटी, छोड़ भी नहीं सकता। जो एक बार गलत रास्ते पर चलने लगता है उसे उसकी आदत हो जाती है। सिर्फ 2 दिन बिना गुंडागर्दी किए इसे रहने बोलो, देख लेना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। पापा। क्या हुआ बेटी, सुनने में तकलीफ हो रही है ना? अगर ऐसा ही हुआ तो मैं क्या करूंगा बेटी? तुम्हें सुहागन देखना पसंद करूंगा, लेकिन विधवा के रूप में देखना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गले में मंगलसूत्र सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, अपने पति के लंबी आयु के लिए होता है। तुम्हारा शत्रु कभी भी तुम्हें मार सकता है और मेरी बेटी पर भी हमला कर सकता है। क्या तुम उसे रोक पाओगे? हर पल मौत तुम्हारे आसपास रहती है, और जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा पापा, इसके शहर में कितनी इज्जत है, कितने लोग इसके सामने हाथ जोड़ते हैं आप जानते हो? हाथ तो कईयों के सामने जोड़ते हैं, ओहदा देखकर जोड़ते हैं, जरूरत के लिए जोड़ते हैं, पैसों के लिए जोड़ते हैं, डर से जोड़ते हैं, सामने वाले का इस्तेमाल करने के लिए जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं होता, हाथ जोड़ने वाले को सामने वाला भगवान लगना चाहिए, और जिनका हाथ जोड़ रहे हैं वो एक नेक इंसान होना चाहिए, उसे कहते हैं हाथ जोड़ना। इसमें क्या देखकर हाथ जोड़ते होंगे बेटी? हाँ, हो सके तो मेरी बेटी की जिंदगी से तुम दूर चले जाओ। हाथ जोड़ो क्या? सर आप मेरे गुरु हैं सर। तुम्हारा गुरु हो सकता हूँ, फिर भी मैं एक मामूली इंसान हूँ, एक बेटी का पिता हूँ। तुमसे प्यार करने की गलती की वजह से तुमसे दूर होकर ये थोड़े दिन रोएगी, लेकिन शादी करके तो पूरी जिंदगी रोएगी। इसे रोते देख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो इसकी भलाई के लिए इससे दूर चले जाओ। जाओ।
हमला हो सकता है, चलो अंदर। गौरी से मैं दूर हो जाऊंगा, उस लड़की के साथ मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। मास्टर जी की बात बिल्कुल सही है। भैया अब तक 3 पैक्स हो चुके हैं, अब बस करो ना। 3 पैक के बाद ही सच बाहर आता है। बचपन से ही मैं गौरी को पसंद करता हूँ। गौरी मेरी जान है यार, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना उसे खुश रहना ही पड़ेगा। भैया कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है? क्या बोला? मैं डर रहा हूँ? चाहे कितने भी आ जाए, मुझे मारने की हिम्मत नहीं किसी में। लेकिन नावर्दों की तरह पीछे से वार क्यों करते हैं ये लोग? मौत का कोई ठिकाना नहीं है यार, कहीं से भी आ सकती है। उसके बाद गौरी, वैसे जिंदगी मैं नहीं दे सकता उसे। ये बताओ मास्टर जी की बात मानकर गौरी के बिना तुम जी पाओगे क्या? इतने साल मैं गौरी के साथ जी रहा था, लेकिन अब मैं उसे अपने दिल में रख के जीऊंगा। इससे पहले वो शेखर यहाँ था, विजय यहाँ था, वो लोग अब नहीं रहे। कम से कम मेरे पास बैठने वाली गौरी को तो रहने दो। क्या अपने प्यार को भूल जाओगे? किसी की जिंदगी को खतरे में डालना प्यार नहीं होता। मुझे नहीं करना ऐसा प्यार यार। तुम अपनी तकलीफ नहीं समझ रहे, पर मैं समझ रहा हूँ। गौरी को मत छोड़ना भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे यार तू मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है? मास्टर जी ने एक बात बताई है, अगर हाथ जोड़ना है तो भगवान के सामने जोड़ो, उसके दरबार में जाके जोड़ो। मैं तो गुंडा हूँ, भगवान नहीं हूँ। अरे यार चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? पीछे से वार करने वाले उस रामी रेड्डी के आदमियों को मारने चले? अरे रेड्डी और उसकी गैंग अभी जेल में है, वो कैसे अटैक करेंगे? मुझे तो उस मेडिकल कंपनी पर शक हो रहा है। कह रहे उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है यार, ये किसी और का काम है। और कौन हो सकता है यार, किसकी हिम्मत? जो भी हो, मैं डूबते जहाज में सफर कर रहा हूँ। इस सफर में गौरी मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। यस मास्टर इज राइट, मास्टर इज राइट। हाँ आइए पुरुषोत्तम सर, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या गाड़ी में? नहीं नरसिम्हा, तुम्हारे नाम पर किसी ने कंप्लेंट की। कंप्लेंट किसने की? नमस्ते मास्टर जी, आप खबर भेजते मैं खुद आ जाता। उसकी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को भेज दो, मैं चला जाऊंगा। क्या कहा आपकी बेटी? देखो नरसिम्हा, इनकी बेटी को किडनैप करने का इल्जाम तुम पर है। हमने कहा कि तुमने नहीं किया, मगर ये मान नहीं रहे। मैं कैसे यकीन करूं? इंस्पेक्टर डू योर ड्यूटी प्रॉपर्ली, इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? इसके अलावा मेरी बेटी के पास कोई नहीं आ सकता है। क्यों भाई, इतना समझाया फिर भी नहीं समझे? गुंडागर्दी से मेरी बेटी को किडनैप करके उससे शादी करना चाहते हो? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरे साथ नहीं है सर, लेकिन आप घबराइए मत, उसे कुछ नहीं होगा। ये नाटक कर रहा है इंस्पेक्टर। अरे दोस्तों, गौरी के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती? मास्टर जी, शाम तक आपकी बेटी आपके घर में होगी, ये वादा है मेरा आपसे। क्या सर, नरसिम्हा कह रहा है कि उसने नहीं किया, इसका मतलब उसने नहीं किया होगा। चलिए, शाम तक मेरी बेटी मेरे घर वापस नहीं आई तो मेरी लाश तुम्हारे घर के सामने मिलेगी। मुझे पता नहीं, जाओ भैया, गौरी तभी बाहर आएगी जब आप उसे शादी के लिए हाँ बोलोगे। गौरी को कैसे वापस लाना है मैं जानता हूं। ये क्या है?
इन लोगों ने मेरा किडनैप नहीं किया नरसिम्हा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से क्यों आई हूँ ये तुम अच्छे से जानते ही होगे। पर अब पता चला कि तुम्हारी मर्जी तो कुछ और है। उम्मीद थी कि कभी ना कभी पापा मान जाएंगे, मेरे प्यार को धुतकारा नहीं मार डाला है नरसिम्हा। एनीवेज ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम क्यों रो रही हो? किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है, तुम खुश रहना। नरसिम्हा, हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारे लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मेरा दिल तोड़ने के लिए थैंक्स। जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। मंगा कह के कभी नहीं पुकारूंगा। ओनर सर, मैं अपना नाम बदल दूं क्या? सुहागरात के दिन भी सर। अब तो पति है। ओनर सर तो थे। अब ओनर पति। पति ओनर। अरे छोड़ यार ये ओनर सर। अरे भैया। हाँ। गौरी प्रेग्नेंट है। जो मैं चाहता था वही हुआ आज। तो तुम क्या चाहते थे? यही कि वो हमेशा खुश रहनी चाहिए, यही तो मैं चाहता था। चुप हो जाओ मंगा, चुप हो जाओ, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुखी मत हो। ओनर सर। मंगा क्या हुआ? टाइम टाइम अभी 5 बज रहे हैं। डिलीवरी टाइम। अरे रे रे। गाड़ी किधर है? 5-10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, बस थोड़ा सा सबर कर लो मंगा। ठीक है सर। क्या हुआ? मुझे देखकर ऐसा क्यों मुस्कुरा रही? बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब मत कीजिए, मिलकर आ जाइए, आपसे एक जरूरी बात करनी है।
सर पर गहरी चोट लगने की वजह से बहुत खून बह चुका है। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दो। ओके सर। दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द तो अब होने वाला है। क्या बोल रही हो तुम? तीन तीन बेटों के साथ अब कितना परेशान होना पड़ेगा पता नहीं। तीसरा कहाँ है? एक दो तीन। ओ, मुझे भी जोड़ दिया साथ में। मैं बच्चा दिख रहा हूँ। ऑनर सर, मेरी एक इच्छा है। जो भी इच्छा है बता दो। कितनी बार पूछ चुका हूँ लेकिन कोई इच्छा नहीं। तुम हमेशा यही कहती हो। अपने लिए एक भी इच्छा नहीं है, अपने बच्चों के लिए है। क्या है बताओ? हमें कब कैसे किससे प्रॉब्लम होगा पता नहीं है, इसलिए ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। हम कहीं दूर जाकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जियेंगे। प्लीज ऑनर सर, क्या सोच रहे हो? आपके मैकेनिक काम से हम कहीं भी जाकर आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। क्या बोलते हो? मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? ठीक है, मंगा जाते हैं, यहाँ से दूर चले जाते हैं। ओके? क्यों मंगा, ऐसे क्यों देख रही? मैंने हाँ बोला ना। मंगा मंगा मंगा, डॉक्टर मंगा। पेट में मरे हुए बच्चों को 2 दिन हो चुके हैं, इन्फेक्शन की वजह से गर्भ थैली को निकालना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया डॉक्टर? मेरी बेटी बच्चों से बहुत प्यार करती है, अगर उसे पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती तो वो मर जाएगी डॉक्टर। अगर ऐसा नहीं करते तो वो मर जाती, इसलिए निकालनी पड़ी। आप प्लीज समझिए सर। डॉक्टर, हे भगवान, हे भगवान। मुझे लगता है कि आपका पोता लौट कर आया है। ये आप क्या बोल रही हैं? इसी हॉस्पिटल में किसी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नी मर चुकी है। आपको उस इंसान ने बाहर रोते हुए देखा और कहा बच्चा आपको दे दूं। कौन है वो महान इंसान? उसने नाम तो नहीं बताया, सिर्फ देने के लिए कहा और कहा कि आपकी बेटी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी कहाँ मिलेगा वो? अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर अभी एम्बुलेंस के पास गया है सर। अच्छा, मेरे पास ही है बेटी, डॉक्टर ने बाहर बुलाया था इसलिए चला गया था, ये लो। पापा, you
नरसिम्हा के पास जाना है। तू तो मेरा छोटी मेम सबका सूट कैसे कहाँ रखूं? मेरे सिर पर रख दे। नालायक कहेगा हट तुरंत मारक से। आप चढ़ाइए। जॉब के लिए जा रही है, उन्हें कोई येलो या ग्रीन कार्ड मिलने यहाँ पर अन्न धन ऐशो आराम सब कुछ है, क्या कमी है जो वहाँ जाकर मेहनत करना चाहती है? नसीब है यार, नसीब है, जो यहाँ रहकर खुश रह सकते हैं वो विदेश जा रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ आकर खुशी से रह रहे हैं, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? उनके पास पर्सनालिटी है चीफ, आपके पास तो म्युनिसिपैलिटी भी नहीं है। इधर आते फोन करती रहना बेटी, व्हाट्सएप पर मैसेज भी करना, रैश ड्राइविंग तो बिल्कुल मत करना। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय छोटी मालकिन। शांति बिटिया को खुशी खुशी भेजने के बजाय आंसू क्यों बहा रही हो? मैंने सोचा इस बार आप बिटिया की शादी करके ही उसे भेजेंगे। डोंट वरी मम्मी, मैं सच कह रही हूँ कि अब कोई गलती नहीं करूँगी, मेरी हर मुसीबत में साथ देने वाले और आपकी पसंद से ही शादी करूँगी, आपकी कसम। ओके छोटी मेम साहब किसके बारे में बोल रही है जानते हो? किसके बारे में? भैया के बारे में। भैया के बारे में? भाई जी नरसिम्हा भैया के बारे में। वो इनडायरेक्टली उन्हीं की बात कर रही है। सर मैं भी आपके साथ एयरपोर्ट चलता हूँ ना। नहीं नरसिम्हा, वहाँ से लौटते लौटते देर हो जाएगी और बाबू को भी देखना है ना। वो अपनी बुआ के साथ बिल्कुल नहीं रोता। बुआ कौन है? देवी, वो संभाल लेगी। नहीं नरसिम्हा। बाय नरसिम्हा, मुझे एक चाटा लगाओ। अरे चीफ तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? अरे चाटा लगाओ ना भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ तुम्हारा। दोनों कान में सीटी बज रही है, मुझ जैसे नालायक के लिए यही पनिशमेंट होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये क्या है यार, सेंट्रल मिनिस्टर के घर पर एक भी पुलिस की सिक्योरिटी नहीं। मिनिस्टर सर, मिनिस्टर सर, मैं यहाँ ऊपर हूँ। क्या हुआ सर, आप अकेले वहाँ क्या कर रहे हैं? कोई बहुत खास बात है क्या जो मुझे यहाँ बुलाया? तुमको मेरा एक काम करना होगा। अरे कहिए ना सर, आपका काम क्यों नहीं होगा? मेरे लिए नहीं तो फिर ये इस शहर में जहाँ कहीं भी हो ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। पर क्यों? मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए दो लोगों का मरना जरूरी है, एक तो ये है, दूसरा वो है। ये सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है बल्कि मेरा भी है। मेरे सारे करोड़ों रुपए तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, उसे बस मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। ये शेर है, ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, सामने गए तो सब मारे जाएंगे। इसके लिए जाल बिछाना होगा, फिर ये खुद ही उस जाल में फंस जाएगा। हेड कांस्टेबल जी क्या हालचाल है? गणपत भाई के आदमियों ने मुझ पर हमला करके एसीपी साहब को और मैडम को और उनके बच्चे को उठा कर ले गए। जाते जाते वो गणपत। तू नरसिम्हा का आदमी है ना, उसे फोन करके कह दे अगर वो आधे घंटे के अंदर डॉग्स पर नहीं आया तो उस एएसपी की फैमिली को वो मरते हुए देखेगा। ए, देख पहले तेरी बीवी उसके बाद तेरे बेटे को, सबको खत्म करके यही समाधि बनाऊंगा, सबको चीर के रख दूंगा। तुझे एक बात पता है क्या, तेरी बीवी को मैं नहीं मारने वाला, तेरी फैमिली को टच किया तो चीर दूंगा, कहा था ना नरसिम्हा ने, अब वही नरसिम्हा इसे मारेगा। बच गई सोचकर खुश हो रही है? खुशी नहीं दुख हो रहा है, क्योंकि मैं एक नामर्द के हाथों मरने वाली हूँ, समझे?
तेरे पति के सामने तुझे मारने वाला था, अब प्लान चेंज, अब तेरे ही सामने तेरे पति और बच्चे को मारूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं मर्द हूं या ना मर्द। ले जाओ बांधो। दूसरी बार मेरी जान बचाई है। Not the god.
बॉडी में बुलेट जिन्हें लगी है उन्हें तो हमने बचा लिया है, लेकिन हेड इंजरी की वजह से बच्चे को बचा नहीं पाए। सॉरी। छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर क्यों चला गया बेटा? तुमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा बेटा? सॉरी सर, आपकी बेटी का काफी खून बह चुका है, सो दो तीन दिनों तक उन्हें ये बात मत बताइएगा प्लीज सर। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर। बेटी, मैं यही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा है वो? बताइए ना पापा। उसे कुछ नहीं हुआ है बेटी, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। पापा, मुझे मेरे बच्चे को। तुम आराम करो बेटी, मेरी बात मानो बेटी, डॉक्टर है ना वो देख लेंगे, उसे कुछ नहीं हुआ है। अरे तुम्हारा काफी ब्लड निकला है, रेस्ट करना जरूरी है। मुझे अपनी परवाह नहीं है पापा, बस अपने बच्चे को देखना है। नरसिम्हा, मैंने गांव में बहुत से लोगों को पाठ पढ़ाया है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को ही पाठ पढ़ा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? नरसिम्हा, कोई आदमी अगर किसी के सामने हाथ जोड़े तो वो आदमी भगवान जैसा होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोला था, इतना त्याग करने वाले तुम, अब मेरे लिए तुम ही भगवान हो। धर्म किताबों में नहीं, तुम्हारे जैसे त्यागियों में दिखता है। हाथ जोड़ता हूं मैं। मास्टर जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं गुनाहगार बन जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं कर भी क्या सकता हूँ बेटा? एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। बोलो बेटा। बच्चे की सच्चाई गौरी को कभी पता ना चले, वो उसके असली बेटे की तरह ही रहेगा। इस सच को भी छिपाने को कह रहे हो? नरसिम्हा, त्याग के भी एक हद होती है। मेरी बेटी के लिए और कितना कुछ करोगे तुम? सर, बचपन में गौरी ने मुझे एक माँ की तरह संभाला है, टीनेजर में एक फ्रेंड की तरह, और फिर वो मुझे अपना दिल दे बैठी। उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अभी भी तुमने वही तो दिया। वो हमेशा मुस्कुराती रहे, मैं यही तो चाहता हूँ। चलता हूँ सर।